आज सैमसंग का फ्लैगशिप स्मार्टफोन S9 प्लस फीचर्स के मामले में कितना है दमदार। एक नजर टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचाने वाली खास खबरों पर। कौन से हैं नए गैजेट्स जो आ सकते हैं आपके काम, लगाएंगे एक चक्कर गैजेट लैब का। और दुनिया के सबसे छोटे 4K पॉकेट पीसी की पहली झलक। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन वहां पर शोकेस किए गए लेटेस्ट गैजेट्स का इंडिया लॉन्च अब शुरू हो चुका है। लॉन्चेस की इस इनिंग का पहला प्लेयर है सैमसंग का S9 सीरीज, सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस। इस सीरीज में सैमसंग ने कई सारे चेंजेस किए हैं, कई सारे एडिशन किए हैं, जैसे चाहे वो कैमरा हो, थोड़े बहुत जो डिज़ाइन चेंजेस हैं और कलर वेरिएंट्स। लेकिन जिस फ़ोन की आज मैं बात करने जा रही हूँ वो है S9 प्लस, और इसका जो USP है, जो स्पेशल फीचर है, वो है कैमरा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सैमसंग S9 प्लस डुअल रियर कैमरा के साथ आता है। नोट 8 के बाद सैमसंग S9 प्लस डुअल कैमरा सेटअप के साथ आने वाला पहला फोन है। फोन में 12 मेगापिक्सल के दो लेंस दिए गए हैं, एक स्टैंडर्ड और एक जूम लेंस। जूम लेंस ऑप्टिकल 2x जूम की काबिलियत के साथ आता है। फोन के कैमरा को खास बनाने वाले कई फीचर्स फोन में जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर स्लोमो की। फोन 960 FPS की स्पीड और 720p रेजोल्यूशन पर सुपर स्लो मोशन वीडियो बना सकता है। सुपर स्लोमो मोड दो शूटिंग सेटिंग के साथ आता है। मल्टी टेक ऑप्शन से वीडियो में कई मोमेंट्स को स्लो मोशन में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो वहीं सिंगल टेक में किसी एक मोमेंट को कैप्चर भी कर सकते हैं। इन स्लो मोशन वीडियो में अपना पसंदीदा म्यूजिक तो जोड़ ही सकते हैं, साथ ही रिवर्स लूप या स्विंग इफेक्ट देकर वीडियो को और भी मजेदार बना सकते हैं। S9 Plus ने स्लो मोशन फीचर का एडिशन इसे एक एज जरूर देता है, और ये काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। बेहद खूबसूरत स्लो मोशन वीडियोस ये फ़ोन बनाता है, लेकिन कुछ सेट कंडीशन में। और इस कंडीशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो है अच्छी लाइटिंग। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह हर वक्त अच्छी लाइटिंग मिले, तो ये एक परेशानी इसमें ज़रूर आती है। जो लाइटिंग की परेशानी है वो एक्सपीरिया XZ सीरीज में भी आती थी, तो जो स्लो मोशन फीचर है उसे ही ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम S9 प्लस की परफॉर्मेंस की बात करें स्लो मोशन में, तो ये काफ़ी अच्छी है, और कुछ मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, एक फिल्मी फील देने के लिए काफ़ी बढ़िया ये काम करता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मोशन के साथ सैमसंग S9 प्लस में एक और बड़े ही काम का फीचर जोड़ा है, और वो है वेरिएबल अपर्चर, यानी कि कम रोशनी में भी बेहतरीन फोटोज। फोन F2.4 और F1.5 अपर्चर के बीच में स्विच कर सकता है। कम रोशनी में फोन अपने आप आसपास की रोशनी के हिसाब से अपर्चर को सेट कर लेता है, लेकिन चाहे तो इसे प्रो मोड में जाकर मैनुअली भी बदला जा सकता है। वेरिएबल अपर्चर का ये फीचर वाकई बड़े ही कमाल का है। फोन दोनों अपर्चर के बीच में स्मूथली स्विच करता है। लो लाइट में भी फोटो डार्क या ग्रेनी होने की परेशानी को ये फोन काफी हद तक थोड़ा सा कम कर देता है। फोन में AR इमोजी का नया फीचर जोड़ा गया है। इससे अपने चेहरे को एनिमेट कर इमोजी में बदल सकते हैं। फिर ये इमोजी आपके एक्सप्रेशन को ट्रेस करता है, उसी तरह से रिएक्ट भी करता है। अपने चेहरे के अलावा एक्सप्रेशन को दूसरे इमोजी पर भी फिट कर सकते हैं। लाइव इमोजी के फीचर के साथ कुछ कस्टम इमोजी भी मिलते हैं, जिन्हें किसी भी मैसेजिंग सर्विस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। AR इमोजी का ये फीचर रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरा पर आपको मिल जाएगा।
सैमसंग ने एप्पल के एनिमोजी को टक्कर देने के लिए एआर इमोजी का फीचर तो जोड़ दिया, लेकिन अफसोस ये फीचर कुछ खास अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, स्पेशली तब अगर आपको अपने ही फेस को एनिमेट करके इमोजी बनाना है। पहला तो जो एनिमोजी का फेस है आपके फेस से बहुत कम मिलता है, दूसरा ये एक्सप्रेशन को भी अच्छे तरीके से कॉपी नहीं कर पाता। अगर मैं स्ट्रेट फेस के साथ भी खड़ी हूँ तो एनिमोजी के फेस पे एक स्मर्क रहता है, इसके अलावा अगर मैं स्माइल कर रही हूँ तो एनिमोजी का जो स्माइल है वो काफ़ी क्रीपी लगता है। तो ओवरऑल एआर इमोजी का जो ये फीचर है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। सैमसंग S9 कैमरा में बिक्सबी विजन भी जोड़ दिया गया है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉइंट करें तो बिक्सबी उसे स्कैन कर उसकी जानकारी आपको देगा। बिक्सबी विजन ट्रांसलेशन, इमेज सर्च, लोकेशन और खाने पीने की जानकारी तो देता ही है। किसी भी डिश पर कैमरा को फोकस करें और बिक्सबी उसमें शामिल कैलोरीज, उसकी रेसिपी तक आपको बताएगा। फोन में पिछली सीरीज की तरह लाइव फोकस यानी बोके इफेक्ट देने का भी इंतजाम किया गया है, लेकिन मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया। फोन ठीक से सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करता और बैकग्राउंड ब्लर करते वक्त सब्जेक्ट के एजेस भी कभी कभी थोड़े से ब्लर हो जाते हैं। लाइव फोकस का ये फीचर सेल्फी कैमरा में भी मिल जाएगा। फोन का 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा काफी अच्छी सी सेल्फी लेता है। कम रोशनी के लिए ऑन स्क्रीन फ्लैश है और वाइड सेल्फी का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर कैमरा S9 प्लस की USP है तो इसका परफॉर्मेंस फोन के ओवरऑल पैकेज को और भी अच्छा बनाता है। फोन में फ्लैगशिप लेवल के स्पेक्स हैं, फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस है, तो आप इसमें किसी भी तरीके का काम करें, चाहे वो हैवी गेमिंग हो, मीडिया सर्विंग हो, सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं और मक्खन की तरह ये फोन चलता है। S9 Plus 6GB RAM और 64 या 256GB स्टोरेज के साथ आता है। इसका साथ देता है Samsung का होम ग्रोन ऑक्टा कोर प्रोसेसर Exynos 9810। ये फोन Android Oreo 8.0 से लैस है। Samsung S9 Plus परफॉर्मेंस का पावर हाउस है। फोन मल्टी विंडो ऑपरेशन बहुत ही स्मूथली हैंडल करता है। हेवी गेमिंग भी बिना किसी लैग के चलती है, थैंक्स टू माली G72 GPU। फोन को और भी स्मार्ट बनाने के लिए गूगल वॉइस असिस्टेंट के साथ बिक्सबी भी है। फोन के होम पेज से लेफ्ट स्वाइप कर या लेफ्ट पैनल पर दिए गए बिक्सबी बटन के इस्तेमाल से बिक्सबी होम पर जा सकते हैं। यहाँ पर रीसेंट एप्स, कैलेंडर और इवेंट्स जैसे काम भी आप मैनेज कर सकते हैं। वॉइस कमांड देने के लिए बिक्सबी बटन को होल्ड कर अपना काम भी करवा सकते हैं। सैमसंग एज पर अपने फेवरेट एप्स को शॉर्टकट बनाकर आसानी से इस्तेमाल करें। के फुल विजन स्क्रीन पर वीडियो देखने को मजेदार बनाता है इसका 2K रेजोल्यूशन। हालांकि डिस्प्ले सेटिंग में 2K रेजोल्यूशन डिफॉल्ट नहीं होता और आपको इसे मैन्युअली सेट करना पड़ता है। फोन पर कलर्स बेहतरीन दिखते हैं, इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। फोन के GRB वैल्यू को भी कस्टमाइज किया जा सकता है। फोन की सुपर एमोलेड स्क्रीन को स्क्रैचेस से बचाने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की परत भी चढ़ाई गई है। फोन का डिस्प्ले शानदार है, जो कलर्स हैं वो काफी शार्प आते हैं, व्यूइंग एंगल्स बढ़िया है और जो ब्राइटनेस इंटेंसिटी है वो भी काफी अच्छी है। और इन सभी चीजों को और भी बेहतर बनाता है फोन का कर्व्ड एज फुल स्क्रीन डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में S9 प्लस को फुल मार्क्स मिलते हैं। सैमसंग ने S9 प्लस के लुक्स और डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किया। ग्लास बॉडी के साथ आने वाले इस फोन को हैंडल करने में बस एक ही परेशानी आती है और वो है इसका वजन। फोन इस्तेमाल करने में कुछ भारी है, खासकर अगर आप इसे एक हाथ से इस्तेमाल करना चाहें तो। फोन दिखने में फ्लैगशिप S8 सीरीज की तरह ही बढ़िया दिखता है, लेकिन फोन की ग्लास बॉडी पर फिंगरप्रिंट के निशान काफी आसानी से पड़ते हैं। फोन के डिजाइन में जो छोटा ही सही
लेकिन काम का चेंज किया गया है और वो है फिंगरप्रिंट सेंसर की लोकेशन। अब ये सेंसर कैमरा के साइड में नहीं बल्कि नीचे दिया गया है। ये लोकेशन पहले से बेहतर जरूर है। फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। स्क्रीन लॉक और फिंगरप्रिंट के अलावा फोन को अनलॉक करने के लिए इंटेलिजेंट स्कैन भी है। ये स्कैन आपके फेस और आइरिस को रिकॉग्नाइज करके फोन को अनलॉक करता है। फोन के टॉप एज पर दिए गए सेंसर की मदद से ये फोन काम करता है। इंटेलिजेंट स्कैन से फोन को अनलॉक करने का जो फीचर है वो काफी अच्छे से काम करता है। कोई खास डिले या लैग नहीं है और जितने वक्त भी मैंने इसे इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसा कोई परेशानी नहीं आई कि फोन अनलॉक नहीं हो रहा। हालांकि लो लाइट में, कम रोशनी में फोन फेस को रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा वक्त जरूर लगाता है। अगर इसे फिंगरप्रिंट से कंपेयर करें तो ये उतना फास्ट तो नहीं है। फोन की खामियों की बात करें तो सबसे ऊपर आती है इसकी बैटरी। 3500 mAh की ये बैटरी नॉर्मल यूसेज में करीब पूरा दिन चल जाती है, लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग या मल्टीमीडिया इस्तेमाल करने के शौकीन हैं, तो इसकी बैटरी बेहद जल्द खर्च हो जाती है। हालांकि फोन को तेजी से चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट और क्विक चार्ज 2.0 दिया गया है। फोन को जीरो से फुल चार्ज होने में 1.5 घंटा लगता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपो। फोन का ऑडियो काफी बढ़िया है। फोन के नीचे के पैनल पर दिया गया स्पीकर और ईयरपीस स्टीरियो स्पीकर का ही काम करते हैं। फोन की साउंड क्वालिटी लाउड एंड क्लियर है। इसके साथ ही फोन डुअल सिम, 4G वोल्ट, वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करता है। इस फोन के लिए आपको चुकाने होंगे 64,900 रुपए। सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस एक बेहतरीन फोन है, इम्प्रेसिव फोन है, बढ़िया कैमरा, बेहतरीन कैमरा, अच्छे लुक्स, जो भी फीचर्स आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में एक्सपेक्ट करते हैं वो सभी इस फोन में मिलते हैं। हालांकि इसे टक्कर देने के लिए गूगल पिक्सल 2 भी मौजूद है, और अगर मैं गैलेक्सी नोट 8 या फिर S8 सीरीज से इसे कंपेयर करूं और आप इसे एक अपग्रेड की तरह लेना चाहते हैं तो शायद इतने इम्प्रेस ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस आपको इसमें ना दिखे। लेकिन अगर आप एक फोन चाहते हैं, एक नया फ्लैगशिप फोन चाहते हैं, एंड्रॉइड फोन चाहते हैं जो आपके सारे काम, चाहे वो कैमरा हो, मल्टी फंक्शनैलिटी हो या फिर कोई भी दूसरा काम हो, आराम से हैंडल कर ले, तो सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस इज द राइट चॉइस। टेगुरु में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे टेक्नोलॉजी की खास खबरें और बाजार में आए लेटेस्ट गैजेट्स की झलक। टेक न्यूज में देखते हैं इस हफ्ते टेक्नोलॉजी के बाजार में किसकी हुई एंट्री और वो फोन जो मचा रहे हैं धूम। Xiaomi ने Redmi 5 भारत में लॉन्च कर दिया है। Redmi 5 में 5.7 इंच का HD प्लस डिस्प्ले है। फोन में Snapdragon 450 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। Redmi 5 में 12 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, जबकि फोन में LED फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। Redmi 5 में 3300 mAh की बैटरी दी गई है। Redmi 5 तीन वेरिएंट में आपको मिलेगा, 2GB रैम के साथ 16GB स्टोरेज जिसकी कीमत है 7,999 रुपए, 3GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज जो मिलेगा 8,999 रुपए में, और 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज के लिए आपको चुकाने होंगे 10,999 रुपए। Redmi 5 की बिक्री 20 मार्च से Mi.com, Mi Home और Amazon पर होगी। अपनी मंजिल ढूंढने को और आसान बनाने के लिए गूगल मैप्स ने नया फीचर गूगल प्लस कोड जोड़ दिया है। ऐसी जगह जो अब तक गूगल मैप पर लिस्टेड नहीं है उसे भी इस फीचर से ढूंढा जा सकता है। ये फीचर अल्फाबेट्स, नंबर और शहर को मिलाकर एक कोड बनाता है जिसे शेयर भी किया जा सकता है, और प्लस कोड से आप किसी जगह को तो ढूंढ सकते हैं, साथ ही किसी बेहद छोटी या बिना एड्रेस वाली जगह के लिए पिन कोड को जनरेट भी कर सकते हैं। प्लस कोड के लिए फोन पर इंटरनेट कनेक्शन होना भी जरूरी नहीं है। इसके साथ अब गूगल मैप्स पर यूजर्स किसी एड्रेस की लिस्टिंग करवा सकते हैं। एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ब्लू स्टार ने समर 2018 की तैयारी में 40 नए इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स लॉन्च किए हैं, और कंपनी का दावा है कि ये एयर कंडीशनर्स ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगे और साथ ही 30% से ज्यादा कूलिंग भी आपको देंगे। ये साउंड प्रूफ एयर कंडीशनर्स
एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल करने के साथ साथ एयर प्योरिफिकेशन भी करेगा। अब वक्त है गैजेट लैब की सैर का और साथ ही आपको बताएंगे बाजार में आए नए गैजेट्स की खासियत। स्मार्टफोन की लिस्ट में हांगकांग बेस्ड कंपनी टेक्नो का कैमॉन आई भी शामिल है। फोन में 5.6 इंच के फुल एचडी और फुल विजन डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी है और फोटोग्राफी करने के लिए भी 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा। कैमॉन आई में 3GB रैम और 32GB स्टोरेज दी गई है, जिसे एक्सपैंड भी आप कर सकते हैं। ये फोन मीडियाटेक प्रोसेसर पर काम करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड्रॉइड 7.0 नूगा पर बेस्ड कस्टम UI HIOS पर काम करता है। फोन डुअल सिम 4G वोल्ट सपोर्ट करता है और इस फोन के लिए आपको चुकाने होंगे 8,990 रुपए। कैनन ने अपने जी सीरीज के कैमरे की रेंज में एक और खिलाड़ी मैदान में उतारा है, पावर शॉट G1X Mark III। कैनन का ये कैमरा आता है 24.3 मेगापिक्सल APS-C CMOS सेंसर के साथ, जिसका साथ देता है डिजिक 7 प्रोसेसर। फास्ट और सटीक फोकस के लिए पावर शॉट G1X Mark III आता है 49 AF पॉइंट्स डुअल पिक्सल CMOS AF सिस्टम के साथ। इस कैमरे से ISO को 100 से 25,600 तक बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसमें 3.0 इंच की स्क्रीन दी गई है, जिसे किसी भी एंगल में मोड़ा जा सकता है। कैनन का ये कैमरा 1080p फुल HD वीडियो 60fps पर शूट कर सकता है और वो भी स्टीरियो साउंड MP4 फॉर्मेट में। इस कैमरे से आप 3x ऑप्टिकल जूम भी कर सकते हैं। कैनन पावर शॉट G1X Mark III की कीमत है 79,995 रुपए। QHMPL ने अपने पावर बैंक पोर्टफोलियो में एक और पावर बैंक जोड़ दिया है। इस पावर बैंक की कैपेसिटी 20,000 mAh की है। इस पावर बैंक की एंटी स्मज कोटिंग से बनी है और स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है। ये आती है LED इंडिकेटर के साथ। मैक्सिमम आउटपुट के लिए इसमें डुअल USB पोर्ट दिए गए हैं, जो कि मैक्स 5V2A आउटपुट देता है। इस पावर बैंक से आप एक वक्त पर दो डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। ये पावर बैंक डिवाइस के हिसाब से ऑटोमेटिकली आउटपुट एडजस्ट करती है। QHMPL की इस 20,000 mAh पावर बैंक की कीमत है 2,990 रुपए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। आगे आपको दिखाएंगे दुनिया के सबसे छोटे 4K पॉकेट PC की पहली झलक। मेरे हाथ में जो ये डिवाइस देख रहे हैं, ये कोई पावर बैंक नहीं बल्कि एक फुल ग्रोन PC है। ताइवानीज कंपनी ECS ने आज अपना पॉकेट मिनी PC लीवा क्यू लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये मिनी PC दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पॉकेट PC है। क्या खासियत है इसकी और ये किस तरीके से काम करता है? ये जो है एक प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे CPU होता है, और किसी भी डिस्प्ले से अटैच होकर ये उस डिस्प्ले को कंप्यूटर में बदल सकता है PC की तरह, फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। HDMI पोर्ट के ज़रिए ये डिस्प्ले से जुड़ जाता है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेसिकली ये काम करता है। हालांकि अगर आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहते और इसे बदलना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो वो भी पॉसिबल है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको HDMI पोर्ट मिलता है, 2 USB पोर्ट मिलते हैं, साथ ही microSD कार्ड का भी स्लॉट इसमें दिया गया है। 4GB रैम इसमें दी गई है, प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज है, और जो microSD कार्ड स्लॉट है उसके ज़रिए आप इसे 128GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं। जो कीमत की अगर मैं बात करूँ, तो जो विंडोज़ 10 होम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मॉडल आता है उसकी कीमत है 15,500 रुपये,
लेकिन अगर आप बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के इस डिवाइस को चाहते हैं तो उसकी कीमत 13,500 रुपये होगी। जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि आप किसी छोटे से डिवाइस को पूरा पीसी में कन्वर्ट कर दें, वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, चाहे वो इंटेल की कंप्यूटर स्टिक हो या फिर सैमसंग का डेस्क पैड और अब लीवा क्यू। तो ये जो पॉपुलर हो रहा है कि छोटे से किसी डिवाइस को आप फुल ग्रोन पीसी की तरह इस्तेमाल करें, आपको बढ़िया प्रोसेसर मिले, तो वो अब काफ़ी पॉपुलर होता नज़र आ रहा है। तो टेक गुरु के शो में इतना ही। अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे Redmi Note 5 Pro वर्सेस OnePlus 5T का कंपैरिजन। स्टे कनेक्टेड।